इसके बराबर में लगा ले, थोड़ा और ऊपर कर ले, यहाँ यहाँ रख ले, बस यहाँ रख ले, ठीक है रोल। अजय जी, आज खास मिशन पर आए हैं, बल्लभगढ़ भी जाना है, कई लोग और शामिल हो रहे हैं आपके खेमे में, और लगातार आपका खेमे का जो आकार है, साइज है, वजन है, बढ़ता जा रहा है, क्या वजह है, किस लिए लोग खींचे चले आ रहे हैं? जननायक जनता पार्टी का प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है, आपके सामने है, विधायकों की संख्या भी बढ़ रही है और वरिष्ठ लोग भी निरंतर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये अपने आप को ही दर्शाता है कि प्रदेश आज क्या चाहता है। विधायक होने के बावजूद भी रणदीप सुरजेवाला को चुनाव में उतार दिया, किस नज़रिए से देखते हैं? वो तो उनकी सोच है कि किस नज़रिए से उतारा है। आप किस नज़रिए से देखते हैं? उसको तो बलि का बकरा बनाया गया है। अजय जी, एक सवाल है कि जो जीन जो सीट है उसका अगर इतिहास देखा जाए पिछला, तो वो नॉन जाट सीट रही है, और इस बार आप क्या सोचते हैं, क्या समीकरण बनेंगे, क्या पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे? बिल्कुल टूटेंगे, कोई कास्ट का फैक्टर वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे सब तरह के लोग जीतते भी रहे हैं। नॉन जाट सीट को ही नहीं कह सकते हम, चौधरी दल सिंह जाट भी थे, वो भी जीते थे। आपने एक बात कही थी कि दुर्योधन ही इस युद्ध के विनाश का कारण होगा, उसका जिम्मेवार वो होगा। अब बात करें तो अब कृष्ण कौन है? अब कृष्ण दिग्विजय सिंह कितना